ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लस टू सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग, प्लस टू सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। लास्ट क्लास रे आमे कौन पढ़ी किए कह फटाफट कहे एवं सबू पिला फटाफट जॉइन करे, सबू पिला माने फटाफट जॉइन करे एवं लास्ट क्लास आमे कौन पढ़ी कहे। यस सर, आज क्लास नंबर होची 7। आपण क्लास नंबर को आगे नोटिंग करूँ। लास्ट क्लास रे सर आपण पढ़ाते ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम एवं लास्ट क्लास रे आपण दुईटा प्रॉब्लम करे लेबर कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, तो से डिस्कशन को आम आज आग को लेकिन जीवा। तो आज क्लास नंबर होची 7, क्लास नंबर 7 लेबर कॉस्ट, क्लास नंबर 7 रा लेबर कॉस्ट। सबु पिला माने लेखिबे क्वेश्चन जोठी हमें लास्ट क्लास रे करा जाई थिबा डिस्कशन को आगु नै कि जिबा लेखिबे। फ्रॉम द फॉलोइंग इनफॉरमेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इनफॉरमेशन कैलकुलेट द एवरेज लेबर कॉस्ट, कैलकुलेट द एवरेज लेबर कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, फॉर द मंथ नवंबर 2021 assuming eight hours in a day, assuming eight hours in a day लिखिबे एवरेज बेसिक वेजेस पर आवर। सर आज कौन डिस्कशन कले, वेरी गुड। एबे डिस्कशन एवरेज स्टार्ट है, फटाफट जॉइन कर देबे। एवरेज बेसिक वेजेस पर आवर रुपीस 10 लिखिबे, एवरेज डीए पर आवर रुपीस 1 पर आवर हिसाब रे डाटा दिया जाय छी। एई भलिया क्वेश्चन आमे लास्ट क्लास रे मध्ये सॉल्व करी छे। तापर लिखिबे नंबर ऑफ अनपेड हॉलिडे, नंबर ऑफ अनपेड हॉलिडे अनपेड हॉलिडेज इन ए ईयर, गोटे वर्ष रे अनपेड हॉलिडे होची केते ना 24। तापर लिखिबे नंबर ऑफ अनपेड हॉलिडे फेस्टिवल, अनपेड हॉलिडे फेस्टिवल इन ए ईयर 3। नंबर ऑफ डे सिक लीव, नंबर ऑफ डेज सिक लीव विथ हाफ पे। सर यार माने कौन सब बुझेबी, हाफ पे इन ए ईयर होची 15। नंबर ऑफ डेज सिक लीव विथ हाफ पे माने तुम देह खराब हेले तुम्हें लीव रे जीव किंतु तुमको हाफ पे दिया जीव, से भलिया डे होची 15टा। तापर लिखिबी प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड 5% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डीए, स्टेट इंश्योरेंस एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई 2% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डीए, अदर अमेनिटीज पर मंथ, अदर अमेनिटीज अमेनिटीज
पर मंथ रुपीज 20। तुमको कौन करिवार अछि ना लेबर कॉस्ट फॉर द मंथ कैलकुलेशन करिवार अछि। लेबर कॉस्ट फॉर द मंथ कैलकुलेशन करिवार अछि आमे लेखिबा सॉल्यूशन। फटाफट पिला माने क्वेश्चन लेखि सारी थिले मते रिप्लाई देबे तापरे आमे आगो को जिबा। फटाफट सरला सर आउ टिके अच्छी। वेरी वेरी गुड। ओके जीबा आगो को। यस आपण एबे आगो को जीबे। ओके लेखिबे कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। हमें लेबर कॉस्ट को कैलकुलेशन करिवा। मंथली क्वेश्चन पचारी हमें मंथली कैलकुलेशन करिवा। दिस इज योर पर्टिकुलर दिस इज योर अमाउंट दिस इज योर पर्टिकुलर एंड दिस इज योर अमाउंट। प्रथमे लेखिबे सबु पिला माने बेसिक वेजेस केते थिला। फटाफट ऊपर क्वेश्चन पढ़ी के आसीबे। बेसिक वेजेस होची पर आवर रुपीस 10। सबु पिला माने बुझिबे से कहूँ दिन को होची 8 घंटा। आगे पढ़िबे क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इनफॉरमेशन कैलकुलेट आवरेज लेबर कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 21। आवरेज लेबर कॉस्ट केते होची नवंबर मास पई दिन को होची केते दिन ना 8 घंटा काम करिवे। दिन को 8 घंटा लेखा काम करिवे। आवरेज बेसिक वेजेस पर आवर केते घंटा प्रति केते 10 टका। डीए पर आवर देची नंबर ऑफ अनपेड हॉलिडे इन ए ईयर। से कहूँ वर्ष को अनपेड हॉलिडे होची केते ना सर 24टा। ताहले मासकु केते ना मासकु अनपेड हॉलिडे हे जीवो 2टा। नंबर ऑफ अनपेड हॉलिडे फेस्टिवल इन ए ईयर से कहूँ वर्ष को 3टा होची आपणकर कौन ना वर्ष को 3टा होची आपणकर अनपेड हॉलिडे। वर्ष को अनपेड फेस्टिवल हॉलिडे होची 3टा। ताहले मासकु केते पड़िवो ताकु आमे कैलकुलेशन करिबा। ओके यस नंबर ऑफ इट ए पॉइंट आ होची बहुत इंपोर्टेंट। सब पिला माने ध्यान देबे नंबर ऑफ सिक लीव विथ हाफ पे। माने तमे लीव रे गले तमको हाफ पे दिया जीवो जोटा के होची 15टा। जोटा के होची केते ना 15टा। ओके यस तो एबे सबु पिला माने कैलकुलेशन करिवे वर्किंग नोट नंबर 1 जे मासरे इफेक्टिव आवर केते अछि। सबु पिला माने मो सहित तो लेखिबे वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग आवर इन ए मंथ। से मंथ रे वर्किंग आवर केते अछि। ओके ए पर्यंत सरिले आमे आगो को जिबा। ओके तो क्वेश्चन रे गोटे डाटा मिसिंग अछि। सब पिला माने टिके लेखि नेबे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021 ऑफ 208 आवर अज्यूमिंग 8 आवर इन ए डे। अर्थात नवंबर मास रे वर्किंग आवर होची 208 घंटा। सब पिला माने लेखि कि नेबे क्वेश्चन टाकु तापर हमें सॉल्व करिवा। यस तो क्वेश्चन अनुसारे वर्किंग आवर इन ए मंथ केते थिला
ना वर्किंग आवर इन द मंथ क्वेश्चन रे दिया जाय छी जे 208 घंटा जदि 208 घंटा हो छी नंबर ऑफ वर्किंग आवर सबु पिला माने मते कहिबे सबु पिला माने मते कहिबे अनपेड लीव केते अछि ना अनपेड लीव अछि सर 24 आउ गुटे अनपेड लीव अछि 3 जहा हो छी 27 टा हो छी वार्षिक एहार अर्थ कोन लिखिबे टोटल अनपेड लीव 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 27 डे 27 डे इन द ईयर ब्राकेट रे लिखि कि नेबे एथिरे कोन अछि ना अनपेड लीव फॉर फेस्ट अनपेड लीव अनपेड हॉलिडे जहाँ क्वेश्चन रे दिया जाइछे से लिखिबे अनपेड हॉलिडे आउ गुटे होची अनपेड फेस्टिवल ये सब मिसिकी होची नी 27। अच्छा जदि वर्ष को होची 27 तापरले सब पिला माने लिखिबे अतएव अनपेड लीव फॉर मंथ ऑफ नवंबर केते हे जीवो ना 27 डिवाइडेड बाय 12 ताहले जदि अनपेड लीव फॉर द मंथ ऑफ नवंबर आमे बाहरी करी देले एवं दिन को होची 8 घंटा रा काम ताहले सब पिला माने मते कहिबे अनपेड लीव आवर अनपेड लीव आवर केते हबो फॉर मंथ ऑफ नवंबर केते हबो ना सर 27 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 8 आवर ये थिला डे रे तो केते हे जीवो अनपेड लीव ना सबु पिला माने कहिले सर इहार आंसर बारला 4 काटले 2 4 काटले 3 3 काटले 9 इंटू 2 18 घंटा ओके तो टोटल अनपेड लीव केते आसी गला ना 18 घंटा होची अनपेड लीव सर बुझी हेलानी आउ थरे कोन से कोची वर्ष रे तुमरो वर्किंग आवर अछि मास रे 208 घंटा 208 घंटा मैं लिखु छी आवर वर्ष को अनपेड लीव होची टोटली मिसी की 27 ताहले मास को केते हे जीवो ना 27 डिवाइडेड बाय 12 ये हेला डे रे ताहले आवर केमति होबो ना सर 8 गुणी देले ओके यस ताहले ये अपन कर बाहर की केते आसीला ना 190 आवर 190 आवर कौन ही गला ये ही गला अपन कर टोटल वर्किंग आवर आउ गोटे क्वेश्चन रे देई सिक लीव हाफ डे सिक लीव ये होची वर्ष को 15टा एहार माने कौन ना एहार माने होची जे वर्ष को तमे 15 दिन छुट्टी रे गले भी तुमको पैसा दिया जीवो किंतु हाफ पैसा दिया जीवो ताहले मोर कहिबा कथा इफेक्टिव वर्किंग आवर केते हबो ना सर से समयटा को मध्य लेस कर दियंतु लेस सिक लीव आवर केमिति बाहरिबो ना सिक लीव आवर होची वर्ष को 15टा मास को हबो 15 डिवाइडेड बाय 12 दिन को होची 8 घंटा ताहले केते हि गला ना 4 काटले 2 4 काटले 3 3 काटले 5 10 आवर ये हि गला 10 आवर एबे जहा बाहर के आसीला 180 आवर होची नंबर ऑफ इफेक्टिव आवर इफेक्टिव वर्किंग आवर नंबर ऑफ इफेक्टिव वर्किंग आवर होची 180 हबो जदि नंबर ऑफ इफेक्टिव वर्किंग आवर होची 180 सब पिला माने मते कहिबे घंटा को होची केते टंका ना 10 टंका क्वेश्चन रे दिया जाय छी सब पिला माने देखिबे त
ताहेले मोर बेसिक वेजेस केते आसीबो ना दिनुकु जदि तमर होउची सॉरी घंटा कु जदि तमर होउची 10 टंका लेखा ताहेले तमर केते आसीजिबो बेसिक वेजेस ना सर नंबर ऑफ वर्किंग आवर इनटू रेट पर आवर इनटू रेट नंबर ऑफ वर्किंग आवर बारला 180 इनटू 10 से समान हेई गला 1800 टंका ए पर्यंत बुझी हेला कि बुझी हेलानी पिला माने फटाफट रिप्लाई देबे हां सर बुझी हेला क्वेश्चन को मु थरे सॉल्व करूची ता परे आपण पूरा पॉज करके क्वेश्चन को आउतरे सॉल्व करबे ओके यस तापर दुई नंबर पॉइंट रे कोन देईची सब पिला मानन को पाखरे क्वेश्चन थबो एवरेज डीए पर आवर डीए ताहले केते हे जीवो ना सर 180 होची इफेक्टिव वर्किंग आवर रेट होची रुपीस 1 ताहले केते हे जीवो ना सर डीए हे गला 180 3 नंबर पॉइंट रे आउ जहा अछि एनी कि सब पिला मानन को हे जीवो हाफ पे सिक लीव क्वेश्चन रे देईची हाफ पे सिक लीव क्वेश्चन रे देईची एहर माने कोन ना आपण सिक लीव ही जति कि दिन जिबे केते दिन आपण सिक लीव गले ना 15 दिन बहुचि केते वर्ष को मासु को बाहरिबो 12 दिन इनटू दिनु को होउची 8 घंटा ये जति कि आवर बाहरिबो हालाकि मु सेठी कैलकुलेशन कर देईची ये बाहरुतिला 10 आवर घंटा प्रति रेट केते ना सर 10 टंका ये 10 आपण फुल पाइबेनी याकु आपण हाफ रेट रे पाइबे यानी आपण केते टंका पाइबे ना 2 रे काटले 5 50 टंका सिक लीव पाइबे बुझी हेला कि बुझी हेलानी ये सर आपण 50 टंका आमे कोन पाइबू ना सिक लीव पाइबू काहे कि आउ तरे बुझीबे 15 डे होउची वर्ष को मासु को हबो 15 बाई 12 केते आवर ना 15 बाई 12 डे इनटू दिन को होउची 8 घंटा सिक लीव आवर भारुची 10 घंटा एवं ताहा आपण को हाफ पे करा जीवो रेट होउची 10 टका हाफ पे माने इनटू हाफ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन रे अछि आमर अनपेड लीव सरी गला आमे गुटे गुटे ठीक मारि कि जीवा ये काम सरी गला सिक लीव सरी गला प्रोविडेंट फंड 5% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डीए प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड 5% ऑफ बेसिक डीए 5% ऑफ कहारो ना 1800 प्लस 180 केते हे जीवा फटाफट को 1800 प्लस 180 रा 5% 1990 सुन सुन कटिगला 5 कटले 2 198 डिवाइडेड बाय 2 केते हबो 99 शायद 99 केमिति हला ना 1980 इनटू 5 बाय 100 सुन सुन कटिला 5 कटले 2 दूरे कटले 99 नेक्स्ट पॉइंट कोन कहिछि ना ईएसआई ईएसआई को केते कहिछि क्वेश्चन देखो ना क्वेश्चन कहिछि 2% ऑफ बेसिक एंड डीए त माने 2% ऑफ बेसिक ही होउछि 1800 प्लस डीए होउछि 180 ताहले केते हे जीवो ना 2 बाय 100 इनटू 1980 केते हबो गोटे सुन गोटे सुन 5 5 रे कटले 5 3 15 5 9 45.6 39.6 39.6 ओके यस यस 39.6 तापर क्वेश्चन रे आउ कोन अछि अदर अमेनिटी पर मंथ होउछि 20 तो सेटा आमे पर मंथ ही कैलकुलेशन करूचे लेखिबे अदर अमेनिटी हे जाउची 20 रुपीस पर मंथ ताहेले सब पिला माने मते कहिबे टोटल लेबर कॉस्ट केते हला आकु आमे मिसेइ दबा एबे जदी मिसेइ दबा ये हबो 0.6 2193.6 मते पिला माने आंसर दे देले
2193 98। फिर भी मु सब पिला मन को कहि भी क्वेश्चन चेक करिवे, फिर भी सब पिला मन क्वेश्चन चेक करिवे। अच्छा पिला माने देखिलो, आमे एठी आउ गोटे जिनस आड करिया पई भूली जाई छे, 10 आवर इनटू रुपीज 1 इनटू हाफ 5 टका। ये 5 टका किए कहि परिबो कहा पई ना, मु सेकंड रे जहा कैलकुलेशन करली ये होची डीए पई, फर्स्ट रे जहा कैलकुलेशन हेतिला ये होतिला कहा पई कहिलो बेसिक पई। तो ये गोटे कैलकुलेशन आमे छाडी थिले, सबु पिला माने आकु एठी कौन करिवे लेखी कि नेबे, डीए मध्य हाफ पेज ये पाइबो राइट। सबु पिला माने लेखी कि नेबे जहाँ बेसिक पे थिबो आउ डीए थिबो सिक लीव रे ताकु मिलिबो। एबे मिसै दियो आपनकर आंसर आसी जिवो 2193.6। जदि तुमको पत्रा जाए लेबर कॉस्ट पर आवर केते हबो ना सर, टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इफेक्टिव वर्किंग आवर, टोटल इफेक्टिव वर्किंग आवर, टोटल लेबर कॉस्ट केते बाहरी छि ना 2193.6 डिवाइडेड बाय टोटल इफेक्टिव आवर केते बाहरी छि 180 से समान केते हबो, फटाफट सब पिला माने कैलकुलेशन करिवे। हालांकि मु मध्य कैलकुलेटर यूज करू छी, मु यूज करू छी कैलकुलेटर 2193.6 हरण 180 12.19 पर आवर हबो हबो। यस सर, ए क्वेश्चन रे कौन डिफिकल्टी थिला सबु पिला माने देखिबे, ये थिला डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन जेउटी तुमको अनपेड लीव दबो। सबु पिला माने बुझिबे अनपेड लीव माने से लीव पई तुमको कोनोसी पेमेंट दिया जिवो नाही। सिक लीव कथा कौन करिबे ना, सिक लीव रे गोटे थिबो पेड सिक लीव आउ गोटे थिबो हाफ पे सिक लीव आउ गोटे थिबो अनपेड सिक लीव। आम क्वेश्चन अच्छे अनपेड हाफ पे सिक लीव, जे तुम सिक लीव रे रहिले तुमको हाफ पे दिया जिवो। लेखिबे नोट्स, लेखिबे नोट्स, बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए बोथ will be paid for any half pay leave, half pay leave both basic and DA दिया जीवो हबो। अरे हबो कि नहीं, yes जदि ए पॉइंट हबो। आउ गुटे क्वेश्चन मो सहित पिला माने फटाफट लिखिबे, from the following particulars कैलकुलेट एलसी, लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करो फॉर द वीक सप्ताह पाई ऑफ टीसीए लिमिटेड। ओके लिखिबे नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ वर्कर लेख इज इक्वल टू 50, वेजेस पर आवर, वेजेस पर आवर लेख रुपीज 8। नेक्स्ट डीए, डियरनेस अलाउंस जहाँ को हमें महंगा भत्ता कहूँ रुपीज 100 पर वर्कर, पर वर्कर
पर वर्कर, कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड 20% ऑफ यर्निंग। मने रख जेते बेले ईपीएफ को कंट्रीब्यूशन करा जाए सेथिरे बेसिक आसीबो प्लस डीए मध्य आसीबो। तापर पॉइंट लिखिबे कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई इज इक्वल टू 5% ऑफ यर्निंग। मैन आवर पर वीक, मैन आवर पर वीक इज इक्वल टू 2200। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज सेम अमाउंट एज एम्प्लॉयर। लिखिबे एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन इज सेम अमाउंट एज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जेतिक कंट्रीब्यूशन करुची एम्प्लॉई मध्य सेतिक कंट्रीब्यूशन करिवो। मु पिला मानकु बहुत थरा बुझेइची एम्प्लॉई जहा सॉरी एम्प्लॉयर जहा एम्प्लॉई की पे करिवो ताहा लेबर कॉस्ट रो पार्ट, किंतु एम्प्लॉई निजो पई किछि रखिले ताहा लेबर कॉस्ट रो पार्ट होबो नाही। काहेकि ना सर डेफिनेशन होउची एम्प्लॉयर जहा एम्प्लॉई की दबो ताकु आमे कोन कहिबा ना सर लेबर कॉस्ट बोली कहिबा। लेखिबे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन रे लेखिबे कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। जिबे क्वेश्चन पढ़िबे आमको लेबर कॉस्ट कैलकुलेशन करिवार अछि फॉर द वीक। 50 जन वर्कर अछंदी एवं वीकली आवर देछि केते, वीकली आवर देछि 2200 वर्किंग आवर। ओके यस, वेजेस पर आवर देछि 8, ताहले बेसिक वेजेस केते हबो सबु पिला माने लेखिबे फास्ट रे। बेसिक वेजेस केते आसीबो 2200 × 8, 2200 × 8 से समान 176, 2200 × 176 ये 2000 17600। दुई नंबर पॉइंट डीए कहूँ 100 पर वर्कर, डीए हूँ 100 पर वर्कर। सब पिला माने बुझिबे 100 टंका जदि पर वर्कर को डीए दिया जीव पर मंथ, ताहेले नंबर ऑफ वर्कर केते देछि ना 50 देछि। जदि पर वर्कर होउछि 100, ताहेले डीए केते हे जीव ना लेखिबे डीए 50 वर्कर इनटू 100 से समान 5000 हबो। जहा हेइ गला आकु कहा जाए ग्रॉस यर्निंग। आकु कौन कहा जाए ग्रॉस यर्निंग हम आकु कौन कहा जाए ग्रॉस यर्निंग। ओके यस, अरे आउ अच्छी बा कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ 20% ऑफ यर्निंग एटे रही जाए जाओरी। तो ग्रॉस यर्निंग है गला 22600, ये टोटल रे कौन ऐड करिवे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर मन रखिवे एम्प्लॉयर जहाँ एम्प्लॉयर दोउची टू पीएफ केते दोउची क्वेश्चन रे 20%। ता माने 20% इनटू 22600 केते हबो की कहिबो ना सर। गुटी सुन कटी गला आ गुटी सुन रहिला 212, 2 × 4 = 5, 2 × 4 = 4520।
तापर लिखिबे कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू ईएसआई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करुची एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम को 5% इंटू 22,600 कारण ग्रॉस अर्निंग 5% दीटा शून कटिगले 530 पांच दुने 10 3 13 पांच दुने 10,030 टंका 10 1 11 पांच दुने 10 1 11 1130 टंका हब ताहले टोटल लेबर कॉस्ट केते हे गला टोटल लेबर कॉस्ट टोटल लेबर कॉस्ट हे गला 22,600 रे 4,520 ये हेले 50 पाँच एक छः छः बार दुई रखने ला एक दुई एक तीन चार सात एक आठ दुई 28,250 ये ही गला कौन ना सर टोटल लेबर कॉस्ट एठी मु गोटे नुआ पॉइंट बुझेबा को चाहू छी ये टोटल लेबर कॉस्ट रो माने कौन सब पिला माने बुझिबे एहार माने होउची अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर पेड करुची काहा को टू एम्प्लॉय और फॉर एम्प्लॉय एहार माने कौन एम्प्लॉई को पे करुची और एम्प्लॉई पाई पे करुची ताहा लेबर कॉस्ट रो पार्ट हे जिबे क्वेश्चन रे कहितबो जदी जदी सब पिला माने क्वेश्चन को जिबे देखिबे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज सेम अमाउंट आज ऑफ एम्प्लॉयर एहा माने कौन सब पिला माने बुझिबे एटी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करुची ईएफ ये दीटा जाक कंट्रीब्यूशन देइची एम्प्लॉयर रो सर आमे केमिति जानिबु एम्प्लॉयर रो देइची मने एम्प्लॉयर रो ये दीटा जाक कंट्रीब्यूशन होची कहार एम्प्लॉयर सर आपण केमिति जानिले काहे कि ना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टा तळे लिखिची ताहले ये दीटा जाक कंट्रीब्यूशन कहार हबो ना एम्प्लॉयर रो हबो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पाई 20% ईपीएफ रे रखुची 5% ईएसआई रे रखुची ताहले क्वेश्चन पचार छी लेबर कॉस्ट केते हबो आमे ऑलरेडी लेबर कॉस्ट कैलकुलेशन करी सारले हबो अरे हां कि ना एउटु मु आउ टिके क्वेश्चन की मॉडिफाई करली सब पिला मान लेखिबे व्हाट इफ व्हाट विल बी इफ नो व्हाट विल बी नेट अर्निंग नेट अर्निंग और टेक होम सैलरी टेक होम सैलरी फॉर एम्प्लॉई एम्प्लॉई पाई टेक होम सैलरी बा नेट अर्निंग केते हबो सर नेट अर्निंग माने कौन लिखिबे सॉल्यूशन नेट अर्निंग नेट अर्निंग इज इक्वल टू ग्रॉस अर्निंग नेट अर्निंग इज इक्वल टू ग्रॉस अर्निंग लेस जहाँ लिखुची ध्यान से पढ़िबे एम्प्लॉई एम्प्लॉई माने मु निजे एम्प्लॉई अपोस्ट पी एस कहले एम्प्लॉइज माने एम्प्लॉई रो कंट्रीब्यूशन टू पी एफ और ई एस आई एटसेट्रा जहाँ एम्प्लॉई निज पी एफ को कंट्रीब्यूशन करुची आमे जदि ग्रॉस अर्निंग रु लेस कर दबा जेउ अमाउंट आसिला आमे ताकु कौन कहिबा ना सर नेट अर्निंग बोली कहिबा ऊपर क्वेश्चन रे जदि देखिबे सब पिला माने टोटल लेबर कॉस्ट केते हे थिला 28,250 एहार माने कौन ना 28,250 एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दउची
बा एम्प्लॉई पाई खर्च करूछि ताहेले मु कहि परिबि जदि एम्प्लॉयर दउछि त माने एम्प्लॉई पाउछि। जदि एम्प्लॉयर रो टोटल खर्च होउछि 28,250 ताहेले मु कहि परिबि एम्प्लॉई रो ग्रॉस यर्निंग ऑफ एम्प्लॉय केते ना सर ग्रॉस यर्निंग ऑफ एम्प्लॉय होउछि 28,250 एथिरु आमे कौन लेस करिबा सबु पिला माने ध्यान देबे एथिरु लेस हबो एम्प्लॉई नॉट एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन माने निजरा कंट्रीब्यूशन टू पीएफ केते टंका ना क्वेश्चन कहिथिला देखिबे एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन इज सेम अमाउंट एज एम्प्लॉयर माने एम्प्लॉयर जेती की टंका कंट्रीब्यूशन करूची पीएफ को एम्प्लॉई सेती की टंका पीएफ को दबो एम्प्लॉयर जेती की टंका ईएसआई को दउची एम्प्लॉयर मध्ये सेती की टंका ईएसआई को दबो ताहेले लेखिबे पीएफ केते हि जीवो ना 5% सॉरी 20% ऑफ केते थिला 20% ऑफ बेसिक प्लस डीए 17,600 प्लस 5,000 ये थिला केते ऊपरे कैलकुलेशन है छी मु आउ टाइम वेस्ट करूनी 4520 4520 ये लेस हबो 4520 आउ कोन लेस हबो ना लेस हबो एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई निजे जदि किछि कंट्रीब्यूशन करूछंती कोठि की ना ईएसआई को एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस को क्वेश्चन रे थिला ताहा 5% ऑफ बेसिक मा ग्रॉस अर्निंग कहिथिला प्लस डीए ये केते आसीथिला के कहिबो ना ये आसीथिला 1130 1130 ओके सर आपण ब्राकेट काई दउचोंती ना जेते बेले लेस होबाकु थिबो हमकु ब्राकेट दबाकु पडिबो लेस करि देले केते टका आसुची फटाफट लेस करो 28,250 माइनस 4520 माइनस 1130 22,600 टका केते आसुची ना 22,600 टका एग्जाम रे क्वेश्चन रे पकोची कैलकुलेट नेट अर्निंग ओके कैलकुलेट नेट अर्निंग हबो अरे हबो कि हबन यस सर हबो जदि ए पर्यंत कंप्लीट करि सारिले तापरे आमे आउ गोटे क्वेश्चन करिबा सबु पिला माने से क्वेश्चन को लेखिबे इफ लेखिबे डीए इज इक्वल टू 60% ऑफ सैलरी बा बेसिक सैलरी आमे जहा कहू ओके तापरे डिडक्शन फॉर 10% ऑफ पे एंड डीए डिडक्शन माने लेस हबो डिडक्शन फॉर 10% ऑफ पे एंड डीए जेति की बेसिक पे थिबो एवं जेति की डीए थिबो सेथिरु 10% डिडक्शन हबो कहा पई फॉर पीएफ तबर लिखिबे डिडक्शन फॉर ईएसआई एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड माने कौन जानी पीएफ पीएफ माने प्रोविडेंट फंड माने तुमर सैलरी रु किछि किछि टंका सेव हे कि रहिबो तमे जेबे रिटायर्ड करिवो तमगु से पैसा दिया जिवो वेरी गुड डिडक्शन फॉर ईएसआई होउची 5% ऑफ पे एंड डीए 5% ऑफ पे कहिले बेसिक पे एंड डीए तापर डिडक्शन फॉर इनकम टैक्स आमे जानीचे इनकम कले आमको टैक्स दबाक पड़ो तुम्हें हालांकि ग्रेजुएशन रे पढ़
5% ऑफ ग्रॉस सैलरी, माने ग्रॉस जेती तुमको सैलरी आसीबो 5% तुमको कौन करिया को पड़िबो ना गवर्नमेंट को टैक्स दबा को पड़िबो। लिखिबे इफ नेट अमाउंट, इफ नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय पर मंथ पर मंथ इज रुपीज 720, फाइंड आउट हिज मंथली ग्रॉस सैलरी, फाइंड आउट हिज मंथली ग्रॉस सैलरी। बुझीगला कि बुझीगलानी? अरे बुझीगलानी ना सर, किसी बुझीगलानी। क्वेश्चन कही जदि नेट अमाउंट सी रिसीव करुच्ची 720 टका, ताहले तहार मंथली ग्रॉस सैलरी केते, मंथली ग्रॉस सैलरी केते, केमिति करिबा सबु पिला माने बुझिबे। सर डीए कहा उपरे दिया जाए, सबु पिला माने मन रखिबे, बेसिक पे उपरे डीए दिया जाए। सर बेसिक पे माने कौन? जेते बेले तमे जॉब करिबो आमर पे बैंड थाए, जे इनिशियल चाकरी कले तुमको बेसिक केते दिया जिवो, माने करो मते बेसिक 10,000 दिया जाउछ, 10,000 माई बेसिक पे। डीए जदि 60% हबो ताले डीए ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक पे। सबु पिला माने लिखिबे नोट, डीए डीए कहले डियरनेस अलाउंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक पे बा बेसिक वेजेस। ओके यस, क्वेश्चन रे कहिछि ग्रॉस सैलरी केते हबो, सबु पिला लेखिबे लेट। मने करो बेसिक पे इज इक्वल टू रुपीज 100। जदि बेसिक पे 100 हैला ताहले डीए केते हबो ना, डीए एट द रेट 60% हे जीवो 60 टंका। अरे कहुन हो डीए केते ही गला ना 60 टंका, लेखिबे टोटाली मिसिकी केते मिलिला, टोटाल इयरनिंग केते ही गला ना सर 160 टंका। क्वेश्चन रे कौन कही ना तीनटा डिडक्शन मिलिबो, गोटे दुईटा तीनटा, गोटे डिडक्शन मिलिबो प्रोविडेंट फंड पाई, आउ गोटे इंश्योरेंस पाई, आउ गोटे इनकम टैक्स, किंतु इनकम टैक्स होची ग्रॉस सैलरी रो। ईएसआई आउ पीएफ ये होउचंती 10% 5% कहार ना पे आउ डीए रो। ओके डिडक्शन सब पिला माने लिखिबे लेस, डिडक्शन डिडक्शन मु डिडक्शन एक लिखि देली, एक रे डिडक्शन कौन ना 10% ऑफ बेसिक एंड डीए, 10% ऑफ बेसिक एंड डीए लिखुच। एक रे पीएफ पाई डिडक्शन होउचे केते ना 10% ऑफ बेसिक एंड डीए, ता माने 10% ऑफ बेसिक डीए केते ही जीवो 10% इनटू 160 से समान 16 टंका। दुई रे ईएसआई डिडक्शन केते हबो ना, ईएसआई डिडक्शन कहिछि 5% ऑफ बेसिक एंड डीए, ताहले 5% इनटू 160 केते ही गला ना सर 8 टंका ही गला। तीन नंबर पॉइंट रे कहिछि इनकम टैक्स डिडक्शन केते परसेंट ना, इनकम टैक्स डिडक्शन अछि 5% ऑफ बेसिक एंड डीए कहले ग्रॉस ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस केते होची ग्रॉस कहले टोटल 160, ता माने 5% इनटू 160 से समान 8 टंका। ये टोटल डिडक्शन मिसिकी केते हे गले ना 16 8 24 8 32 टंका आमको डिडक्शन मिलिबो।
ताहले सबु पिला माने कुह 160 टंका मोर यर्निंग थिला, 160 टंका मोर यर्निंग थिला, 32 टंका मोर डिडक्शन हबो, डिडक्शन माने काटी की रखा जीवो, ताहले मोर नेट यर्निंग केते हबो ना नेट यर्निंग, नेट यर्निंग, नेट यर्निंग हे जीवो 68, नेट यर्निंग हे जीवो 68। सर डिडक्शन माने कौन? सब पिला माने बुझंतु मु जहा कहूची, डिडक्शन माने होची जे तमे मन कर मु जॉब करीची, मो ऑफिस रे मोर ग्रॉस सैलरी जति की हबो सेथिरु किछि पैसा कटा जाय कि मोर पीएफ रे रहिबो, फंड रे रहिबो एवं सेथिरु मोर किछि सैलरी कटा जीवो। एते के काटी सरला परे मन कर मोर यर्निंग होची 10,000 टंका, पीएफ रे रहुची 1,000 टंका, सैलरी पई रहुची 500 टंका, त माने 1500 टंका लेस हेला परे मते ऑफिस केते सैलरी पे करिवो 10,000 माइनस 1500 8,500। सिमिलरली ग्रॉस यर्निंग रु आमे डिडक्शन लेस करि सल्ला परे आमर बाहर जीवो नेट यर्निंग। क्वेश्चन रे कोन कहिछि? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट यर्निंग के दैछि, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट, नेट अमाउंट रिसीव्ड केते देछि, नेट अमाउंट रिसीव्ड देछि 720। ता माने कोन? एहार माने इट मींस, इट मींस मु कहितिलि प्लस टू फर्स्ट ईयर रे जहा पहारिबो राइट साइड रे हमर पचारिछि ग्रॉस यर्निंग, जहा देइछि लेफ्ट साइड रे नेट यर्निंग। जेते बेले नेट यर्निंग होउछि 68, ग्रॉस यर्निंग केते अछि? ग्रॉस यर्निंग माने टोटल, टोटल 160, 160। जदि नेट यर्निंग टंकाटा हबो, ग्रॉस यर्निंग हबो 160 बाय 68, जदि नेट यर्निंग 720 हबो, 160 डिवाइडेड बाय 68 इंटु 720 केते हबो? फटाफट आंसर बाहर करिय, 160 इंटु 720 हरण 68 1694 टंका। ग्रॉस यर्निंग केते ही जीवो ना सर 1694 टंका, 1694 टंका। कोड़ी भूल बार लगी, कोड़ी उड़े भूल बाहर जी 160 रु 32 गला बा, यस मु उड़े भूल बाहर कर जी 160 रु 32 गले केते होबो कि 32 गले 128 होबो, यस मु तो से कहू छी कोन उड़े भूल बाहर कर, इते कम के बाहरियो एडी भूल है जी 128। ता माने जेते बेले नेट यर्निंग 128 सेते बेले क्रॉस यर्निंग 160 एक रे ये हे जीवो 128 माने हरण 128 900 टंका। सब पिला माने करेक्शन करिवे, ग्रॉस यर्निंग बाहरिबो 900 टंका हबो, दिस इज योर आंसर। अरे हबो कि हबनी? यस तो सब पिला माने बुझिबे ग्रॉस यर्निंग आ नेट यर्निंग रो माने कोन। ग्रॉस यर्निंग माने होची टोटली मते जहा मिलिबो, नेट यर्निंग माने होची ग्रॉस यर्निंग रु डिडक्शन सब लेस करी सरला परे जहा रहिबो सेटा होची नेट यर्निंग। सर डिडक्शन माने कोन? ना सैलरी रो किछि अंश प्रोविडेंट फंड को जाए, इंश्योरेंस को जाए, इनकम टैक्स दिया जाए एटसेट्रा एटसेट्रा, ताकु सब काटी सरला परे बेले बेले सैलरी रु हाउस रेंट मध्य कटा जाए। जदि एम्प्लॉयर तुमको घर दे थिबो सेथिरु कोन करिवो ना हाउस रेंट कटा काटी दिया जाए। ओके अरे हबो, यस सर हबो।
आउ गोटे क्वेश्चन करवा सब पिला क्वेश्चन सरले आमर लेबर कॉस्ट कंप्लीट हो लिखे इन ए फैक्ट्री वेजेस इज पेड ऑन टाइम रेट सिस्टम फॉर ए पर्टिकुलर जॉब वर्कर ऑन टाइम रेट सिस्टम फॉर ए पर्टिकुलर जॉब वर्कर ए बी एंड सी यर्न एमाने यर्न कले टोटल वेजेस केते केते टंका 630 728 एंड 735 एमाने रोजगार कले रेस्पेक्टिवली इफ रेट पर आवर इज रुपीज फाइव जदि रेट पर आवर रुपीज फाइव हुए एंड डियरनेस अलाउंस डीए इज 40% ऑफ बेसिक वेजेस हुए कैलकुलेट द टाइम इन आवर कैलकुलेट द टाइम टाइम को कैलकुलेशन करो घंटा रे इन आवर फॉर व्हिच दे आर पेड फॉर व्हिच दे आर पेड जेउथि पई सेमानकु पे करा जाय थिला ओके ता माने हमकु टाइम कैलकुलेशन पचारि छि जे केते घंटा लेखा आमे ताकु कोन करि जे पे करि जे ओके यस मने करो लेट ए वर्क फॉर एक्स आवर जदि ए एक्स घंटा काम करी ताहेले सी कुछ रेट पर आवर केते देछि ना 5 टंका रेट पर आवर केते देछि 5 टंका सब पिला माने बुझिबे क्वेश्चन कहूँ इन ए फैक्ट्री वेजेस गोटे फैक्ट्री रे वेजेस दिया जाए टाइम रेट सिस्टम रे आमे पढ़ीबा रेमुनरेशन चैप्टर रे वेजेस टाइम रे दिया जाए आउटपुट हिसाब रे दिया जाए माने यूनिट वाइज दिया जाए यही भली भावे वेजेस को पेमेंट करा जाए तो से फैक्ट्री रे टाइम बेसिस रे दिया जाए जेउटी देखा कला ए बी आउ सी से माने 630 टंका 728 आउ 735 रोजगार करिसेंती घंटा प्रति होउची 5 टंका लेखा एवं डीए होउची 40% क्वेश्चन कहूँ किए के समय काम कर मन कर एक्स ए एक्स घंटा काम कर बेसिक वेजेस ऑफ ए केते हबो बेसिक वेजेस ऑफ ए केते हबो ना सर 5x अरे 5 × x 5x डीए ऑफ ए केते हबो ना डीए होउछि 40% ता माने आमे कहि परिबा 40/100 × 5x 40/100 × 5x 0 0 कटिले 5 × 4 = 20 यानी 2x डीए केते हे गला 2x जदि डीए 2x हे गला ताहले ग्रॉस अर्निंग केते हे गला ग्रॉस कहिले टोटल ग्रॉस मींस टोटल ग्रॉस वेजेस केते हे गला ना सर 7x क्वेश्चन रे देइछि ए र ग्रॉस ए र टोटल केते क्वेश्चन रे देइछि 630 ताहले ए र एक्स बाहर जीव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रॉस बा टोटल जहाँ भी तुम्हें कहो ग्रॉस वेजेस ऑफ ए केते 630 दैट इम्प्लाइज 7x इज इक्वल टू 630 दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 630/7 से समान 90 आवर एक्स को आमे आवर रे नहीं थिले 90 आवर बाहरी गला
सिमिलरली आम वाई आउ जेड रो बाहर करिबा कि बाहर करि परिबानी, ये सर आम बाहर करि परिबा जदि सब पिला माने कहिबे लेट वाई वर्क फॉर केते आवर ए सॉरी बी वर्क फॉर वाई आवर अतएव बेसिक वेजेस केते हि जीवो बेसिक वेजेस ऑफ बी केते हि जीवो ना 5y डियरनेस अलाउंस केमिति अरे घंटा को 5 टका हेले वाई घंटा को केते हबो 5y डीए एट द रेट 40% केते हि जीवो ना सर 2y ग्रॉस केते हि गला 7y टोटल टोटल केते हि गला 7y प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी रो केते देछि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7y इज इक्वल टू बी रो देछि 728 दैट इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू केते हबो 728 डिवाइडेड बाय 7 7 के 7 7 428 104 घंटा हबो तो जेड रो कैलकुलेशन करिबा दायित्व होउची तमरो तो जेड रो मु 80 ओवरऑली कैलकुलेशन कर दोउची जेड रो हबो केते जानिचो ना 7y इज इक्वल टू हबो 735 दैट इंप्लाइज 7 जेड जेड इज इक्वल टू 735 बाय 7 से समान 7 के 7 7 5 35 एटा हे जीवो 0 ये हे जीवो कहार ना सी हबो अरे हबो कि नाही यस सर हबो मु तुमको किछि क्वेश्चन देबी तमे से क्वेश्चन रो सॉल्यूशन करिके मते पठेबो एवं एहा परे आमे आउ लास्ट यूनिट टाकु स्टार्ट करिबा दैट इज आवर रेमुनरेशन पेमेंट सिस्टम दैट इज आवर कोन हबो ना रेमुनरेशन पेमेंट सिस्टम हबो ओके तो यस आज पई एतिकी नेक्स्ट आउ एक रु दुईटा क्लास भितर आमे लेबर कॉस्ट को कंप्लीट करिबा ओके okay.